कोलकाता के सेंटर फॉर रिसर्च इन इंडो बांग्लादेश रिलेशंस के मुताबिक पश्चिम बंगाल से हर रोज 20,000 से लेकर 25,000 मवेशी स्मगलिंग के द्वारा बांग्लादेश पहुंचा दिए जाते हैं। ये हमने एक ट्रकल पकड़ा है। पकड़ने के बाद आप इन ट्रकल का क्या करते हैं? हम कस्टम्स को करते हैं, कस्टम इंस्पेक्शन। सूत्रों के अनुसार कस्टम से नीलाम की जा रही गायें आमतौर पर फिर से स्मगलर्स के हाथ आ जाती हैं। इसके बाद वो कटने के लिए बांग्लादेश चली जाती हैं। बांग्लादेश से गौ मांस का भारी तादाद में निर्यात किया जाता है। एक साल में बांग्लादेश में औसतन 1,87,000 टन गौ मांस का उत्पादन होता है।